लेकर नकली बारात निकाली। कुछ नौजवान बारात में सेहरा लगाकर घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक वो इससे पहले भी कई तरह के जुलूस हरियाणा के दूसरे शहरों में निकाल चुके हैं। हरियाणा के भिवानी में बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन का ये अनोखा तरीका निकाला है। इन नौजवानों ने हरियाणा सरकार में खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांग को लेकर नकली बारात निकाली। कुछ नौजवान बारात में सेहरा लगाकर घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक वो इससे पहले भी कई तरह के जुलूस हरियाणा के दूसरे शहरों में निकाल चुके हैं। जी ये जो प्रोग्राम रखा गया है, ये बेरोजगारों की बारात रखा गया है, इसमें विभिन्न प्रकार की भर्ती से पीड़ित लोग है जो हरियाणा में कर्मचारी बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं और ये पूरे हरियाणा प्रदेश से इकट्ठे हुए युवा। आज भिवानी का नंबर था, पहले आप देख चुके हो जींद करनाल में ऐसी बारात हम निकाल चुके हैं और हमारा कुछ हल नहीं हुआ है, इसलिए आज हम भिवानी पहुंचे हैं। गुस्साए प्रदर्शनकारियों का दावा है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद सरकारी विभाग में हजारों पद खाली पड़े हैं। अपनी मांगों को लेकर वो कई बार अधिकारियों से गुहार भी लगा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर हमने ऐसी ऐसी बहुत सारी बारातें निकाली, बहुत प्रोटेस्ट कर लिया लेकिन सरकार की है ना सर बिल्कुल भी जूं तक नहीं रेंग रही। हम बहुत बेरोजगार होके सर मेंटली फिजिकली बहुत परेशान हो रही सर। टीजीटी के अभ्यर्थी हैं सर, 1.5 साल से सर ऐसे दर दर भटक रही है, सब विधायकों के दरवाजे खटखटा लिए सर, हमें हमारी कोई भी नहीं सुन रहा। लेकिन सर अब तो है ना वोट नहीं है, अगर जॉब नहीं है तो सर। आप लोगों ने एग्जाम दिए थे? हाँ जी सर। कब एग्जाम दिए थे, कितने साल हो? सर 1.5 साल हो गया, हमारे डीवी हुए, एग्जाम हुए सर, काफी टाइम हो गया। लगभग 1.5 साल से ये युवा संघर्ष कर रहे हैं। अभी 3.5 किलोमीटर की रेवाड़ी के कोसली से यात्रा स्टार्ट हुई थी, लगभग 8 जिलों को क्रॉस करके, ठीक है, हमने बीजेपी के दफ्तर में बैठ के मुख्यमंत्री के जनसंवाद में रेव मजा के 35 विधायकों से मिलके हमने विधानसभा का हमने घेराव किया, मुख्यमंत्री के घर का घेराव किया। आपका संवाद पोर्टल है, जितनी जो भी तरीका संवाद हो सकता सरकार का वो हमने मतलब प्रयास किया है। सरकार ने सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं किया है। प्रदर्शनकारी युवाओं ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सरकार हमारी 25 मई से पहले भर्ती पूरी नहीं करती तो सत्ता में सरकार भी नहीं आएगी, क्योंकि युवाओं के बिना सरकार कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती। नो जॉब नो वोट, हमारे घर परिवार में ना सर कम से कम 279 वोट एक भी वोटिंग को नहीं जाएगी, ना तो हम सरकार को वोट देंगे ना किसी को दोने देंगे। हमारी मुहिम है हर घर बेरोजगार, घर घर बेरोजगार, हर घर जाएंगे, घर घर बताएंगे, हम भी सरकार से अपना हक लेके रहेंगे। नौकरी की मांग कर रहे इन बेरोजगार नौजवानों ने भिवानी में जुलूस निकाला और अपनी मांगों की तख्तियां हाथ में लेकर नारेबाजी की। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने कार्ड बांटकर ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुलूस में शामिल होने की अपील की। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर एक ही चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है।